दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to channel. This is the YouTube boy with you. Big Bash League 2021-22 का 4600 मुकाबला ब्रिस्बेन हिट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में खेला जाने वाला है। वेन्यू है द गाबा ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन के मैदान में यह मुकाबला खेला जाने वाला है। 12 जनवरी का दिन है, दोपहर के 1:45 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। अब तक इस ग्राउंड पर 48 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 165-170 के आसपास का एवरेज स्कोर है। 21 बार बैटिंग फर्स्ट और 26 बार बैटिंग सेकंड जीती है। 150 से नीचे 15 बार, 150 से 170 के बीच 11 बार, 170 से 190 के बीच 12 और 190 प्लस 10 बार बन चुका है। यहाँ के विकेट जो है कभी कभी गेंदबाजों को फेवर करती है तो कभी कभी बल्लेबाजों को फेवर करती है। इस बिग बैश के 3 मुकाबले हो चुके हैं। 2 बार पहले बैटिंग करने वाली और 1 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। 27 विकेट पेसर्स को और 15 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं तीन मुकाबलों में। मुझे जहां तक लगता है कि ये जो मुकाबला है एवरेज स्कोर वाला होगा, 160-170 के आसपास का स्कोर बनेगा और पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो 15 मुकाबले हो चुके हैं, 8 बार एडिलेड और 7 बार ब्रिस्बेन जीती है। लेटेस्ट फॉर्म यानी रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो ब्रिस्बेन हिट पिछले 5 मुकाबलों में 2 जीती है, 3 हारी है और एडिलेड 4 हारी है, सिर्फ 1 जीती है। ब्रिस्बेन हिट की टीम बैक टू बैक 2 मुकाबले यहां पर हारी है। लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबलों में 3 एडिलेड जीती है और 2 मुकाबले जो है वो ब्रिस्बेन हिट जीती है। पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है यहां पर हिट, 10 में 3 जीते हैं, 7 हारे हैं। वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स 10 में 2 जीते हैं, 8 हारे हैं। प्लेइंग 11 स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। वेजले और गुथायर में से कोई एक खेलेगा, बाकी एज इट इज प्लेइंग 11 हो सकती है। फॉर्म की बात की जाए तो डकेट फॉर्म में है, उसके अलावा हेजलेट फॉर्म में है, क्रिसलिन बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं। यही 2-3 बल्लेबाजों पर पूरा मैच चलने वाला है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पिछले 5 मैचों में लीन का सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी आया है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांड की बात की जाए तो पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1 30 प्लस का स्कोर आया, इनकी भी कंसिस्टेंसी गायब है। डकेट की बात की जाए तो इन्होंने सर्वाधिक रन जरूर बनाया है अपनी टीम की तरफ से, पिछले 5 मैचों में 250 आई है 78 और 54 की, लेकिन कंसिस्टेंसी इनकी भी नहीं है, पिछले 2 मैचों से फ्लॉप हो रहे हैं। लेट्स सी कि इस मैच में कैसा खेलते हैं। प्रेफर की बात की जाए तो आखिरी मुकाबले में 69 बनाए थे, 3 मैच खेले हैं, 2 फ्लॉप पारी आई है, 1 हिट पारी आई है। और हेजलेट का भी वही हाल है, इन्होंने हालांकि 200 से ज्यादा रन जरूर बनाया है लेकिन कंसिस्टेंसी इनकी भी नहीं है और पिछले 5 मैचों से लगातार फ्लॉप जारी है। गेंदबाजी की बात की जाए तो इनकी गेंदबाजी अच्छे फॉर्म में है, स्टैगिटी लगातार विकेट ले रहे हैं और पिछले 2 मैचों में 1-1 विकेट लिए हैं, लेकिन उससे पहले आप देखें तो बैक टू बैक 3-3 विकेट लिए थे, उससे पहले 2 विकेट लिए थे। ब्रांड की बात की जाए तो आखिरी मुकाबले में 4 विकेट लिए थे, उसके पहले 2-2, 1-1 हर मैच में विकेट लिए हैं। अच्छी गेंदबाजी चल रही है इन दोनों गेंदबाजों की। विडर गुद की बात की जाए तो पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1-2 विकेट का प्रदर्शन आया है इनका, बाकी फ्लॉप्स सो जारी रहा, मतलब कि विडर गुद अच्छे फॉर्म में नहीं, इनको रिप्लेस किया जा सकता है। मुजीब की बात की जाए तो मुजीब भी कंसिस्टेंस है, पिछले 5 मैचों में 1-3 विकेट का प्रदर्शन आया है इनका, बाकी हर मैच में 1-1 विकेट लिए, आखिरी मुकाबले में बस विकेट नहीं मिला था। बेजले की बात की जाए तो आखिरी मुकाबले में 44 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले 2-2 विकेट लगातार ले रहे थे। तो गेंदबाजी इनकी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और सारा जो है मैच इनके तरफ से जो है गेंदबाजी पे ही डिपेंड रहेगा। बात की जाए एडिलेड स्ट्राइकर्स की तो इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, 9 पॉसिबल चेंजेस, प्रीवियस प्लेइंग 11 के साथ टीम उतर सकती है। फॉर्म की बात की जाए तो शॉट 264 रन बना चुके हैं और वेल्स 280 रन बना चुके हैं। ये दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं, इन्हीं पर जो है ये मैच रहने वाला है। गेंदबाजी में सीडल 18 विकेट और राशिद खान 14 विकेट ले चुके हैं, तो गेंदबाजी में इन दो खिलाड़ियों पर दरमदार रहेगा। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 4 मैच पहले वेदरहेड का 150 आया था, उसके बाद बैक टू बैक फ्लॉप हो जारी है, 3 मैचों से तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। 30 प्लस का स्कोर आया था 50 के बाद। शॉट की बात की जाए तो बैक टू बैक फ्लॉप पारियां देने के बाद 72 रन बनाए थे, उसके बाद 8 रन बनाए, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए हैं। बड़ी बड़ी पारियां कभी कभार खेल जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं। कंसिस्टेंसी सिर्फ वेल्स ने ही दिखाया है, 68 बनाए हैं आखिरी मुकाबले में, उससे पहले 46 बनाया था और बीच बीच में रन कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी यही दिखा पाए हैं। रेंजो के ना होने की वजह से टीम से थोड़ी सी स्टेबिलिटी चली गई है और टीम काफी कमजोर और वीक नजर आ रही है। 2 खिलाड़ी इनके फॉर्म में है लेकिन उन पर ही सब कुछ निर्भर करेगा, ऐसे में उन पर भी दबाव रहेगा तो हो सकता है वो भी फ्लॉप हो जाए। गेंदबाजी में बात की जाए तो सीटल लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, ये इनका पिछले 3 मैचों का प्रदर्शन है, बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन। राशिद की बात की जाए तो आखिरी मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, 1 विकेट, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राशिद खान भी, उसके अलावा कॉनवे भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट सिर्फ 2 ही गेंदबाज हैं इनकी तरफ से, सीडल और
राशिद खान। तो ऐसे में इन्हीं दो गेंदबाजों पर सब कुछ निर्भर रहेगा और बल्लेबाजी में वेदर एंड अगर चल जाते तो ठीक है, अदरवाइज वेल्स और शॉर्ट पर ही सब कुछ निर्भर रहेगा। बात की जाए टॉप परफॉर्मर्स की तो क्रिस लिन 224 रन बनाया है, उसके अलावा ब्रांट 112, स्टैकटी 12 विकेट लिए हैं, मुजीबुर रहमान 4 विकेट, उस जैक वेदर एंड 199 रन बनाए हैं हिट के खिलाफ, जोनाथन वेल्स 186 रन, राशिद खान 14 विकेट, पीटर सीडल 12 विकेट लिए हैं और वेस अगर 10 विकेट। आइए देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को हमने अपनी फैंटेसी टीम में शामिल किया है। सो आप देख सकते हैं हमने अपनी फैंटेसी टीम में डकेट को लिया है, निल्सन को लिया है, उसके अलावा क्रिस लिन, वेल्स, लहमान, हैजलेट और जैक वेदर इनको लिया है एज ए बैट्समैन, शॉर्ट को एज ए ऑलराउंडर लिया है, सीडल, राशिद खान और मुजीब ये तीन गेंदबाज है हमारे, कैप्टन शॉर्ट को बनाया है, वाइस कैप्टन यहाँ पर हमने सीडल को बनाया है, वैसे वाइस कैप्टन आप जोनाथन वेल्स को भी बना सकते हो और डकेट को भी बना सकते हो। फाइनल अपडेटेड टीम, फाइनल अपडेटेड कैप्टन वाइस कैप्टन टेलीग्राम पर कल पक्का डाला जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोग को याद दिला दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा अपडेट दी जाती है और टीम वगैरह चेंज हो जाती है तो फाइनल टीम भी वहीं दी जाती है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरा नया ब्लॉग चैनल भी आ गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हो तो नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब बॉय 2.0 के नाम से है, यहाँ ऊपर कहीं आई बटन पे भी चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार ये जो मुकाबला है ब्रिस्बेन हिट की टीम जीत सकती है। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि ये मैच ब्रिस्बेन हिट की टीम जीत सकती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि एडिलेड की टीम ये मुकाबला जीत सकती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, धन्यवाद। दिस गेम्स इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।